नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एसएससी के टॉप 30 जीके का प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और परीक्षाओं में आ भी चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको यह बता दूं कि अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी फॉर्म को अप्लाई करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसी कौन था? इसका उत्तर है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसी मोहम्मद बिन बख्तियार था। प्रश्न नंबर 2, हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? इसका उत्तर है, हेनसांग हर्षवर्धन के काल के दौरान आया था। प्रश्न नंबर 3, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? इसका उत्तर है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा तलोचन द्वारा बनी है। प्रश्न नंबर 5, सॉरी प्रश्न नंबर 4, भारतीय संसद का अंग क्या क्या है? इसका उत्तर है, भारतीय संसद का अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? इसका उत्तर है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बाद में जोड़ी जाने वाली भाषाएं सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली थी। प्रश्न नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि किस देश से अपनाई गई है? इसका उत्तर है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि यूएसए से अपनाई गई है। प्रश्न नंबर 7, संतुलन स्तर बिंदु क्या है? इसका उत्तर है, संतुलन स्तर बिंदु सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर है। प्रश्न नंबर 8, किन चार देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? इसका उत्तर है, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान को एशियन टाइगर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत करते हैं? इसका उत्तर है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय प्राधिकृत करते हैं। प्रश्न नंबर 10, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सार्वभौमिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है, नगदी रिजर्व। प्रश्न नंबर 11, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है, जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक हिटल ने किया था। प्रश्न नंबर 12, रफ लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर है, रफ लोकनृत्य जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13, लंबर्ट नियम किससे संबंधित है?
इसका उत्तर है लंबर्ट पद्धति प्रदीप्ति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14, फरवाल भित्तियां किसके समुद्री प्रतिक्रिया प्रतिरूप है? इसका उत्तर है फरवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रतिरूप है। प्रश्न नंबर 15, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर था? इसका उत्तर है जहांगीर। प्रश्न नंबर 16, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? इसका उत्तर है सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 18, 1937 ईस्वी में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? इसका उत्तर है 1937 ईस्वी में पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे। प्रश्न नंबर 18, समुद्री समीर कब बनती है? इसका उत्तर है समुद्री समीर दिन के समय बनती है। प्रश्न नंबर 19, संसार के स्वच्छ जल का लगभग कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? इसका उत्तर है संसार के स्वरूप जल का लगभग 70% हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है। प्रश्न नंबर 20, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका उत्तर है गुजरात। प्रश्न नंबर 21, सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र वन है। प्रश्न नंबर 22, कांच कैसा द्रव है? इसका उत्तर है कांच अतिशीतित द्रव है। प्रश्न नंबर 23, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? इसका उत्तर है सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और मृतिका को खूब तप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 24, कठोर स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? इसका उत्तर है कठोर स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.5 से 1.5% है। प्रश्न नंबर 25, शिकार भरभच्चियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटन का प्रयोग करते हैं? इसका उत्तर है प्रतिध्वनि निर्धारण। प्रश्न नंबर 26, तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के किधर से किधर घूमता है? इसका उत्तर है तुल्यकालिक उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। प्रश्न नंबर 27, डायनासोर का लगभग कितने वर्षों से विलुप्त है? इसका उत्तर है डायनासोर लगभग 65 मिलियन वर्ष से विलुप्त है। प्रश्न नंबर 28,
निर्धालु व्याधि रोग की वाहक क्या है? इसका उत्तर है, निर्धालु व्याधि रोग की वाहक सेठसी मक्खी है। प्रश्न नंबर 29, सिप किला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है, सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 30, जापान के किस द्वीप में सबसे अधिक भूकंप एवं सुनामी आया था? इसका उत्तर है, जापान के होनसू द्वीप में सबसे अधिक भूकंप एवं सुनामी आया था, जो कि लगभग 6 इंच का था। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह वीडियो SSC CHSL में आ चुका है।